अजय ने अपने सेलफोन को देखा, हालांकि वो आखिर में उसके लिए जय हो गया था, फिर भी उसका चेहरा डार्क था। वो इस मैटर पर सोच रहा था कि वो पढ़ने में इतनी बिजी है कि वो लंच भूल गई, वो भूल गई कि उसने प्रॉमिस किया था, वो उसे ही भूल गई। लास्ट चीज जो वो भूली थी वो ही असली कारण था जिससे अजय परेशान था। वो उठा और एंट्रेंस की ओर चला गया। जाने से पहले उसने कुक मीना से कहा कि वो उसके और उसकी पत्नी के लिए खाना ना बनाए। लाइब्रेरी तक पहुंचने में उसे ज्यादा टाइम नहीं लगा। उसने देखा कि अंजलि उदास चेहरे के साथ बाहर इंतजार कर रही थी। उसके पास में जय खड़ा था, हालांकि वो भूखा था लेकिन उसने उसे दिखाया नहीं। अजय अपनी कार उनके पास ले गया। जैसे ही उसने उसे देखा, अजय ने जय से कहा, तुम्हारी ड्यूटी खत्म हुई। फिर उसने अंजलि को देखा और सॉफ्ट आवाज में कहा, अंदर बैठो। जय ने शांति से सांस ली। वो खुश था कि उसके बॉस ने उसकी ड्यूटी खत्म कर दी। शायद ही कभी ऐसा होता था जब वो खाना टाइम से नहीं खाता था। अंजलि के अजय के साथ जाते ही वो भी जल्दी वहां से निकल गया। अजय ने अंजलि के चेहरे पर फोकस किया, भले ही उसने लंच नहीं किया हो फिर भी उसका फेस ग्लो कर रहा था। उसने अपनी आईब्रोज ऊपर की। उसने पूछा, क्या तुम्हें भूख नहीं लगी? अंजलि को गिल्टी फील होता है। वो जवाब देती है, थोड़ी सी बस। जब उसकी बात खत्म हुई तो उसके पेट से आवाज आई। अंजलि का चेहरा शर्म से लाल हो गया। टमाटर के जैसे उसके चेहरे को लाल देखकर अजय की आंखों में चमक आ गई। वो नहीं चाहता था कि उसे शर्म आए, इसलिए उसने उसे तंग नहीं किया। उसने उसके सिर को प्यार से ऐसे थपथपाया जैसे वह उसे शांत करना चाहता हो। उसके बाद वो कार एक करीबी कैफे में ले गया। ये एक रेगुलर कैफे था, लकीली वहां पर ज्यादा लोग नहीं थे। अजय और अंजलि कोने में बैठ गए। जब अंजलि ने मेन्यू देखना स्टार्ट किया तो अजय ने कहा, बस अपनी भूख शांत करने के लिए एक स्नैक लो, हम डिनर के लिए कहीं और जा रहे हैं। अगर तुम यहाँ ज्यादा खाती हो तो तुम बाद में डिलीशियस फूड को टेस्ट नहीं कर पाओगी। अंजलि ये सुनकर हैरान रह गई। उसने सोचा कि वो यहाँ खाने जा रही है और बाद में वे एक साथ घर जाएंगे। हालांकि उसने बस सिर हिलाया और कहा, ठीक है। उसका ओके कहने का अंदाज इतना प्यारा था कि अजय कुछ नहीं कर पाया, बस उसे घूरता रहा, उसकी क्यूटनेस को देखता रहा। बाद में वो केवल मुस्कुराया और अपने लिए पेस्ट्री का ऑर्डर दिया। दूसरी ओर अंजलि ने उसके लिए एक सैंडविच का ऑर्डर दिया। अजय को एहसास नहीं था कि उसकी प्यारी पत्नी के साथ उसका स्वीट स्नैक टाइम इतना भयानक होगा। सैंडविच खाते टाइम अंजलि बोलती है, फ्रांस की नेशनल लाइब्रेरी कितनी ब्यूटीफुल और गॉर्जियस है। उसने लाइब्रेरी में खोजे गए एनिशियंट मटेरियल के बारे में भी बात की। इतने महंगे पीजेस को देखकर वो हैरान रह गई थी। वो अमेजिंग थे और किताबें भी आउटस्टैंडिंग थी। अंजलि के रिएक्शन को देखकर समझ आ गया कि ये सब सिर्फ बुक्स के बारे में था। उसने बुक्स की वजह से अपना सारा एफर्ट्स लाइब्रेरी पर लगा दिया। लाइब्रेरी और बुक्स की तारीफ सुनकर अजय का मूड पहले से ज्यादा खराब हो रहा था। अंजलि तारीफ करने में इतनी बिजी थी कि वो उससे निकलने वाले खतरनाक वाइब का पता नहीं लगा सकती थी। अजय ने अपने दांत पीस लिए। ब्यूटीफुल, गॉर्जियस, मार्वलस, आउटस्टैंडिंग, ये वर्ड्स केवल अजय के थे। वो उसके सामने लाइब्रेरी की तारीफ कैसे कर सकती थी? और सबसे सेक्सीएस्ट आदमी उसके सामने बैठा था,
जिसके लिए लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ सकती हैं और उससे शादी करने का सपना देख सकती थी। यहां तक कि वो यंग वेट्रेस भी उसे ही देख रही थी। उसके बारे में क्या? क्यों अंजलि ने कभी उसकी तारीफ नहीं की? अजय की आंखें चमक रही थी। सबसे पहले वो आदमी और अब ये बुक्स से भरी हुई लाइब्रेरी। इससे पहले कि उसके दिल का अटेंशन किसी और पर हो जाए, एक और चीज ने उसका ध्यान खींचा। क्या एक लाइब्रेरी अब उसकी राइवल बनेगी? क्या उसने ओल्ड बुक्स से ज्यादा हार्डवर्क नहीं किया था? उसके प्यार में ज्यादा सेक्रीफाइस नहीं है? फिर उसकी तारीफ क्यों नहीं हो रही थी? तब और वहां अजय ने अपनी पेस्ट्री के सामने ओथ ली। मैं अजय मेरे सभी राइवल्स को हरा दूंगा, चाहे वो कोई भी हो, एक इंसान या एक जानवर या एक बेजान चीज। मैं उन सभी को दूर कर दूंगा और उसके दिल के हर कोने पर कब्जा कर लूंगा। जब अंजलि ने खाना खत्म किया तो अजय सोचता है कि वो जेल से बाहर आ गया। उसने नॉर्मली सांस लेना शुरू किया। उसने एक लंबी सांस ली ताकि वो अपने दिल को शांत कर सके। अगर वो बोलना बंद नहीं करती तो वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और उसके मुंह को बंद करने के लिए उसे जोर से किस करता। बाद में वो लोग एक हाई क्लास प्रॉम ड्रेस शॉप पर जाते हैं। अंजलि अचानक अजय का हाथ पकड़ के रोक देती है। अजय वहीं रुक जाता है। वो उस डेलिकेट हाथ को देखता है जिसने उसके हाथ को टच किया है और फिर अंजलि को देखता है। वो धीरे से पूछता है, क्या हुआ? अंजलि बोलती है, मैं नहीं चाहती कि आप मेरे लिए और ड्रेसेस खरीदें, मेरे पास बहुत हैं। उसकी बात सुनने के बाद अजय ने स्माइल की, फिर अपना राइट हैंड उसके गाल पर रखा। उसके बाद वो बोला, तुम जो भी पहनो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बात यह है कि हम जिस जगह जा रहे हैं वहां तुम कैजुअल ड्रेस पहनोगी तो तुमको अच्छा नहीं लगेगा। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं तब तक मैं तुम्हें ऐसा फील नहीं होने दूंगा। ये कहने के बाद वो उसका हाथ पकड़ के शॉप के अंदर ले गया। अंजलि उसकी बात सुनकर ब्लश करने लगी और कुछ नहीं बोली। वहां पर हर तरह की प्रॉम ड्रेसेस डिफरेंट कलर्स और साइज में अवेलेबल थी। अंजलि हैरान थी इतनी सारी गॉर्जियस ड्रेसेस देख के। अजय मरमेड इवनिंग गाउन कलेक्शन के सेक्शन में जाता है और रेड मरमेड ड्रेस सेलेक्ट करता है। उसने अपने पास खड़े वर्कर से पूछा और उसे ऑर्डर दिया कि अंजलि को ट्रायल के लिए ड्रेस दें। वो फीमेल वर्कर किसी किंग जैसे हैंडसम आदमी को देख के ब्लश कर रही थी। उसे बुरा लग रहा था कि वो ऑलरेडी किसी और का है। वो अंजलि को ट्रायल रूम में ले गई। अंजलि की बॉडी किसी मॉडल की तरह स्लिम थी, इसलिए नहीं कि वो डाइट पर थी। एक्सीडेंट के बाद उसे न्यूट्रिशन देने के लिए पाइप का यूज किया था और वो ऐसी हो गई क्योंकि वो 9 महीने तक किसी तरह का फूड नहीं ले सकती थी। इसलिए फीमेल वर्कर ने उसकी बॉडी स्ट्रक्चर को देखकर उसे स्मॉल साइज दिया। 20 मिनट्स के बाद अंजलि ट्रायल रूम से बाहर आई। अजय बाहर सोफे पर बैठकर फैशन मैगजीन चेक कर रहा था और सोच रहा था कि कौन सी ड्रेस और ज्वेलरी वो अपनी वाइफ के लिए खरीदे। अंजलि उसके पास आई। उसके पैरों की आवाज सुनकर अजय ने ऊपर देखा और उसे देखकर चौंक गया। ये एक ऑफ शोल्डर लॉन्ग ड्रेस थी, बैक ओपन के साथ। इसके बैक में क्रिस क्रॉस डिजाइन थी, प्रिंसेस कट, हेड एंड बोनिंग, जर्सी लाइनिंग, ट्रैन, ब्रा कप्स। फैब्रिक 100% पॉलिस्टर था। ये एक मरमेड गाउन था और उसकी दम फिट था और अंजलि के कर्वी पार्ट को अच्छे से शो कर रहा था। लेकिन अंजलि को बहुत शर्म आ रही थी और वो अजय की तरफ देख नहीं रही थी।
वो उसे बिना आई ब्लिंक किए देख रहा था। उसने वो ड्रेस अपने शोल्डर के चारों ओर पहन रखी थी और उसका फेस बीट रेड था। उसे लगा कुछ गलत था। अजय उसके पास आया। उसने उससे चिंता से पूछा, क्या हुआ? अंजलि ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, मुझे एक फीमेल वर्कर चाहिए। अजय को समझ नहीं आया कि उसे क्या हुआ और वर्कर उनके साथ रूम में नहीं था। उसने जवाब दिया, वो बाहर गई है क्योंकि मैंने उसे ऑर्डर दिया था कुछ ज्वेलरी लाने को। मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए। अंजलि नहीं चाहती थी कि अजय को पता चले। उसके सामने ज्यादा देर खड़े रहने की सिचुएशन में नहीं थी और उसने अपनी बैग अजय की तरफ कर दी। उस टाइम अजय को समझ आया एग्जैक्टली उसके साथ क्या हुआ और क्यों उसे 20 मिनट्स लगे। उस मरमेड ड्रेस में उसकी बैक पर क्रिस क्रॉस डिजाइन थी और उसमें दो हुक्स थे। उन हुक्स की पोजीशन बहुत ऑड थी तो अंजलि उन तक अपने हाथों से नहीं पहुंच पा रही थी। अजय एक टक उसकी सुंदर बैक को देख रहा था। अगर ये पॉसिबल था तो वो उसकी हेल्प नहीं करना चाहता था। फिर उसने अपनी आंखें बंद की और खुद को कंट्रोल किया। कुछ सेकंड बाद वो उसके हुक्स को बंद करने पहुंचता है। ऐसा करते वक्त उसकी गर्म फिंगर उसकी ठंडी बैक को टच करती है। उसकी वजह से अंजलि की पूरी बॉडी स्टिफ हो गई। अजय ने बहुत जल्दी से उसे बंद कर दिया। जैसे ही अंजलि ने उसके टच से कांपना शुरू किया तो वो वहां से चला गया। अजय ने पूछा, क्या ये ठीक है या ये बहुत टाइट? ने अपना सिर हिलाया और हकलाते हुए कहा, के हाथ को पकड़ अपनी के सिर के ऊपर रखते हुए उसके होंठ पर धीरे से किस करता है। अजय ने स्माइल करते हुए उसके सिर पर हाथ लगाया। उसी टाइम फीमेल वर्कर ज्वेलरी लेकर आई। अजय को पता था कि अंजलि को पर्ल्स पसंद है, इसलिए उसने व्हाइट पर्ल्स सेट लिया। उसमें नेकलेस, टॉप और ब्रेसलेट था और वो रूबी के साथ डिजाइन थे। अंजलि पहनने में झिझक रही थी और वो रूबी के साथ डिजाइन थे। अंजलि उसे पहनने में झिझक रही थी लेकिन अजय ने उसे इंसिस्ट किया। वो ना नहीं बोल पाई। उसकी पिंकिश व्हाइट स्किन पर रूबी बहुत अच्छा लग रहा था। अजय ने फिर ब्यूटीशियन को बुलाया। ब्यूटीशियन ने उसकी स्किन की तारीफ की और एक्सपीरियंस हाथों से उसने उसका मेकअप किया और रेड रोज कलर की लिपस्टिक से उसकी ट्रांसपेरेंट आईज और थिक लिप्स को हाईलाइट किया। जब अंजलि रेडी हो गई तो अजय उसे देखकर फ्रीज हो गया। वो सांस लेना भूल गया। टाइम भी उनके आसपास रुक गया। वो उसे देखता ही रह गया। वो भूल गया कि उस रूम में और भी दो लोग थे। जब फीमेल वर्कर खांसी, अजय ने उन्हें अपने कार्ड से पेमेंट किया और फिर उसने अंजलि की तरफ टर्न किया। वो उसकी ओर गया और उसने उसका दाहिना हाथ अपने हाथ में ले लिया। अंजलि को घबराहट हो रही थी और अजय की टकटकी ने उसे और भी स्टिफ बना दिया। जब उसने उसका दाहिना हाथ उठाया तो वो थोड़ा कांप गई। उसकी घबराहट को समझते हुए अजय ने उसके दोनों हाथों को सहलाया और उसे रिलैक्स करने की कोशिश की। वो उसके अनकंफर्टेबल होने का रीजन जानता था लेकिन वो उसकी मदद नहीं कर सकता था। वो अपनी आंखें उससे नहीं हटा सकता था। थोड़ी देर बाद जब उसे एहसास हुआ कि वो नॉर्मल होने लगी है तो उसने धीरे से कहा, चलो चले,
फिर उसने धीरे से उसे बाहर निकाला। वहां दो वर्कर्स जो कुछ समय पहले उनकी सर्विस में थी, उन्हें जलन होने लगी। अजय अंजलि को सीन नदी के पोर्ट तक ले गया। वहां अंजलि ने जो कुछ भी देखा वो उसके लिए अनबिलीवेबल था। वो इसकी ब्यूटी से हैरान थी। सीन नदी के पोर्ट में एक शानदार साइट सीन की बोट उनका वेट कर रही थी। ये पीले सुनहरे रोशनी के साथ टिमटिमा रहा था, जिसने इसे एक्स्ट्रा ब्यूटीफुल और रॉयल बना दिया। 12 मीटर की बोट सफेद रंग की थी। दोनों तरफ सफेद रेलिंग के साथ चलने के लिए खाली जगह थी और ये 2 मंजिला थी। हालांकि बाहर से कोई भी ये बता नहीं सकता था। फर्स्ट लेवल पानी के नीचे था, जो बाहरी लोगों के लिए अननोन था। एक सफेद लकड़ी के बोर्ड के साथ कवर किया गया था और सेकेंड फ्लोर को मैजिक ग्लास के साथ कवर किया गया था और ये बुलेट प्रूफ भी थी, इसलिए कोई भी बाहर से ये नहीं देख सकता था कि अंदर क्या है। लेकिन अंदर से कोई भी देख सकता है कि बाहर क्या है। और अगर किसी ने अंदर के लोगों को मारने की कोशिश की तो कोई चांस नहीं था। सफेद रेलिंग के साथ एक छत भी थी। पेरिस के इस शानदार शहर की नदी में बोट एक्स्ट्रा अट्रैक्टिव लग रही थी। अंजलि को और ज्यादा हैरान बोट के नाम ने कर दिया था। ये प्रशिया ब्लू रंग में लिखा गया अंजलि अजय था। अंजलि इतना सरप्राइज थी कि उसने ये भी ध्यान नहीं दिया कि प्रेम बोट के पास पोर्ट में इंतजार कर रहा था। वो भी हैरान था, ब्यूटीफुल सिनेरियो की वजह से नहीं, बल्कि अंजलि की ब्यूटी को देखकर। उसने बस परफेक्ट जिंदल कपल को देखा और सोचा, ये डेफिनेटली स्वर्ग में बनी जोड़ी है। अंजलि उसी जगह पर खड़ी रह गई जब वो पोर्ट के नाम को देख रही थी। जब अजय ने उसके शोल्डर पर हल्के से टैप किया, तब उसकी हैरानी खत्म हुई। फिर उसने धीरे से अपने पास खड़े सुंदर आदमी को देखा। उसे हैरान देखकर अजय मुस्कुराया। उसने उसकी ट्रांसपेरेंट आंखों को देखा और कहा, इसे कंप्लीट करने में 9 महीने लग गए। जिस दिन तुम मेरी हवेली में आई, मैंने अपनी कंपनी के बेस्ट आर्किटेक्ट्स और इंटीरियर डिजाइनर्स को हमारे लिए एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोर्ड बनाने का ऑर्डर दिया। अंजलि ब्रेथलेस हो गई। इसका मतलब आप जानते थे कि मैं आपके प्रपोजल के लिए हाँ कहूंगी? वो पूरी तरह से सरप्राइज थी। अजय ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और फिर जवाब दिया, नहीं, 50-50 चांसेस थे और मैं रिस्क उठाना चाहता था। बाद में उसने सोचा, अगर तुमने हाँ नहीं भी कहा होता तो भी, ये नाव हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाएगी। अंजलि ने समझने के लिए सिर हिलाया, जैसा कि उसने कहा, आई एम नॉट सरप्राइज, आप वर्ल्ड के टॉप 3 बिजनेसमैन में से एक हैं। अजय ने उसे देखा और हैरानी में सोचा, क्या उसे नहीं पता था कि मैं रैंकिंग में 1 हूं? लेकिन उसने इसके बारे में कुछ नहीं कहा। उसने जल्दी से टॉपिक बदल दिया। वो उसके बाएं कान के करीब झुक गया और धीरे से पूछा, इज इट इनफ? उसकी इस तरह की सेंसुअल वॉइस सुनकर अंजलि कुछ नहीं कर सकी, बस शर्मा गई। शर्म से उसने उसे टकटकी लगाकर देखा। उसी वक्त उसने प्रेम को नोटिस किया। उसका मूड जिंदल कपल के पब्लिक डिस्प्ले की वजह से खट्टा हो गया था। जैसे वे पास आते हैं, प्रेम ने उनको ग्रीट किया और अपने बॉस को बोट की कीज का गुच्छा दिया। फिर वो जल्दी से उन्हें अकेला छोड़ के चला गया। अजय ने अपने बाएं हाथ को अंजलि की ओर किया, जो अभी भी शर्म से रिकवर नहीं हो पाई थी।
धीरे से उसका हाथ ले लिया और उसके बाद वे बोट की ओर चले गए। अजय पहले बोट पर गया और फिर उसने अंजलि की हेल्प की। वे चॉकलेट कलर के दरवाजे के सामने रुक गए। अजय ने उसे बोट की कीज का बंच दिया। हिचकिचाते हुए फाइनली अंजलि ने उन्हें ले लिया। चाबियों में कमरों के इंडिकेशन थे, इसलिए उसके जैसी इंटेलिजेंट लेडी के लिए एंट्रेंस की फाइंड करना इजी था। अंजलि ने डोर को अनलॉक किया और अजय ने हैंडल को टच करके हल्के प्रेशर के साथ दरवाजा खोला। डोर ओपन होते ही रूम में ऑटोमेटिकली लाइट्स ऑन हो गई। जिस वक्त अंजलि ने कमरे में देखा, वो सांस लेना भूल गई। रूम एक बड़े से हॉल जैसा था। इसे हनी के कलर में रंगा गया था। सीलिंग क्रीम कलर की थी और सभी फर्नीचर क्रीम, चॉकलेट और हनी के कलर में रंगे थे। फ्लोर हनी के कलर के कालीन से कवर किया गया था। दोनों तरफ, एक तरफ से दूसरी तरफ विंडोज थी और बाहर क्लियरली देखा जा सकता था। लिविंग रूम, बार, डाइनिंग रूम, वॉशरूम और लास्ट में बेडरूम में अंतर करने के लिए बड़ी बड़ी विंडोज के बीच हनी कलर के पिलर थे। एंट्रेंस में शू रैक और आउटवियर्स लगाने के लिए कई हैंगर थे। फिर एक लिविंग रूम था। बीच में चार बड़े क्रीम और हनी कलर के सॉफ्ट सोफे थे। कमरे के चारों कोनों में सजावट के लिए बॉन्साई के पेड़ थे और बीच में एक टी टेबल थी और टेबल के ऊपर एक विशाल झूमर था और इसकी सुनहरी रोशनी उस जगह को और भी अट्रैक्टिव बना रही थी। एक्चुअली वहां एक झूमर नहीं था, डाइनिंग टेबल के ऊपर एक और था। लिविंग रूम के बाद वहां एक बार था, ये दाहिनी ओर था और वहां डिम लाइट थी। बार में सबसे कॉस्टली वाइन और विस्की थे। बाईं ओर एक ओपन डांस फ्लोर था। डांस फ्लोर के ऊपर एक ग्लिटरिंग बॉल लाइट थी। आगे एक डाइनिंग रूम था। पहले दाहिने कोने में फर्श पर नीचे की ओर जाने के लिए एक दरवाजा था, जहां मशीन, किचन, वॉशरूम, एक्स्ट्रा बेडरूम और जरूरी चीजों से भरा एक स्टोर रूम था। डाइनिंग रूम में बीच में चार चेयर्स के साथ एक मीडियम साइज्ड चॉकलेट और हनी कलर का स्क्वायर डाइनिंग टेबल था। टेबल के ऊपर सेम डिजाइन किया गया झूमर था। पहले बाएं कोने में एक मिनी फ्रिज था। इसके अलावा एक लकड़ी का रैक था, जहां कोई भी डिशेस रख सकते थे। डाइनिंग रूम के बाद सारी फैसिलिटीज के साथ एक वॉशरूम था और फ्लोर क्रीम कलर की टाइलों में कवर किया गया था और तीनों तरफ से एक लकड़ी का पार्टीशन था। केवल बाईं ओर एक मैजिक ग्लास था और क्रीम कलर के बाथटब से बाहर के नजारे को एंजॉय कर सकते थे। दाहिनी ओर एक और पार्टीशन था। इसे बेडरूम में जाने के लिए एक कॉरिडोर बना दिया गया था। बेडरूम सिंपल था, वहां सिर्फ एक लार्ज क्रीम और हनी कलर का बेड था, जो बेड रूफ से अटैच था। कंट्रोल स्विच के साथ कोई भी बिस्तर को ऊपर और नीचे कर सकता था, जो साउथ ईस्ट और वेस्ट की ओर कवर किया गया है। साउथ कवर ज्यादा हार्ड था बाकी दोनों से, क्योंकि इसमें टीवी देखने का सिस्टम था। क्योंकि बेड के उत्तर में एक मॉनिटर लगा था, तो जो आदमी बेड का यूज करेगा वो लेटते समय किसी भी चैनल को देख सकता है। बेडरूम के बाईं ओर एक अलमारी थी। अंजलि और अजय के लिए कुछ एक्सपेंसिव फॉर्मल और कैजुअल ड्रेसेस थी। वहां पर ज्वेलरी और शू और एक ह्यूज मिरर भी था। उसके बाद रूम से बाहर जाने के लिए एक डोर था। वहां पर भी एक वाइट राउंड टी टेबल दो व्हाइट चेयर्स के साथ थी।
सभी डिटेल्स को देखते हुए अंजलि के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। कुछ देर बाद जब उसे थोड़ा होश आया तो उसने धीरे धीरे अजय को देखा और उसके पिछले क्वेश्चन का आंसर दिया, अज्जू इट इज मोर देन इनफ। अजय ने उसे स्माइल करके देखा। उसने टी टेबल से रिमोट कंट्रोल लिया और एक बटन क्लिक किया। धीरे धीरे बोट चलने लगी। अंजलि हैरान रह गई। उसने रियलाइज किया कि उन्हें सच में बोट चलाने के लिए बोटमैन या किसी की जरूरत नहीं थी। ये ऑटो सेल सिस्टम के साथ चल सकती है। ये एक सपना होना चाहिए। उसने उसका शोल्डर पकड़ा और उसे डिनर टेबल की ओर खींच लिया। हम दोनों भूखे हैं तो हम खाना क्यों नहीं शुरू करते? अंजलि भूखी थी, लेकिन एक के बाद एक एक्साइटमेंट से वो लगभग भूल गई कि वो भूखी है। अब जब उसने सोचा कि वो कुछ डिलीशियस फूड को स्मेल कर सकती है, वो बेसब्री से अजय के साथ जाती है। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कुछ डिशेस लिड से कवर हैं। अंजलि ने एक्साइटेड होकर लिड्स ओपन की। वो अब तक की मोस्ट एलिगेंट रिफाइंड ट्रेडिशनल फ्रेंच क्यूजीन देखकर काफी खुश थी। अजय ने एक और बटन क्लिक किया जिससे ब्यूटीफुल और सोफिस्टिकेटेड क्लासिकल म्यूजिक स्टार्ट हो गया। पूरा एनवायरमेंट ड्रामेटिकली चेंज हो गया। अजय ने अंजलि के बैठने के लिए एक कुर्सी खींची और वो उसके ऑपोजिट कुर्सी पर बैठ गया। अंजलि ने पोर्क सॉसेज के साथ उबले सफेद बीन्स के कंफर्ट डिश को देखा। क्यूरियस होकर उसने सॉसेज का एक बाइट लिया और ये उसके मुंह में पिघल गया। अंजलि ऐसे खाने का एक्सपीरियंस करने के बाद मदद नहीं कर सकती थी। उसने अपने पार्टनर को देखा और पूछा, अज्जू इस डिश को क्या कहा जाता है? अजय उसके एक्सप्रेशन को देखकर हैरान हो गया। उसने आंसर दिया, इसे कसौलेट कहा जाता है। इस डिश का नाम उस पोर्ट से आता है जिसे ट्रेडिशनली बेक किया जाता है, जो आमतौर पर एक कोन के शेप का होता है। अंजलि ने सामने रखे डिलीशियस फूड को देखा। एक एक करके उसने उन सभी को खत्म किया और फिर उसने पोलाइटली बर्प किया। उसने अजय को सेटिस्फाई होकर देखा और कहा, क्या कोई रास्ता है जिससे मैं तुम्हें वापस इस सब का हिसाब चुका सकूं? अजय ने उसे गहराई से देखा और हिडन मीनिंग के साथ कहा, तुम मुझे वापस दे रही हो। उसने एक ग्लास रेड वाइन ली और सिप लिया। उसने उसे ऑरेंज जूस पिलाया। अंजलि हैरान थी। उसने पूछा, मैं तुम्हें वापस कैसे दे रही हूं? ये सुनते ही अजय मुस्कुरा दिया। उसने अपने वाइन ग्लास को नीचे रखा और कहा, क्या तुमने महसूस किया है कि हमने होटल डी वैले, नोट्रे डेम और कॉन्सेर्नी को पास किया है? उसने जैसे ही बाहर देखा, उसने बहुत आराम से बात को बदल दिया। कोई रास्ता नहीं था कि वो उसके सवाल का जवाब दे सके। वो उसे कैसे बता सकता है कि वो पिछले कुछ दिनों से उसके साथ सो रही थी? जैसे ही उसने पूछना खत्म किया, उतने समय में अंजलि ने बाहर देखा और तीन गोल्डन पिरामिड्स देखे। बीच वाला सबसे बड़ा था और उनके पीछे एंशिएंट गोल्डन पैलेस था। ये लोअर म्यूजियम था। उसने ड्रीमी आईज से मेंस क्रिएशन को देखा। उसे इस तरह देखकर अजय चुपचाप उसे अकेला छोड़कर बेडरूम में चला गया।
अंजलि ने अपनी नजरें उस तरफ की जिस तरफ अजय जा रहा था। उसकी आंखें गहरी थीं। फिर उसने बाहर देखा और लोवर के बाद उसने फ्रांस के सबसे ऊंचे टावर पैलेस डे लॉ कॉनकॉर्ड को देखा। भले ही वो मीनार को देख रही थी लेकिन उसका मन कहीं और था। उसने कहा कि मैं उसे वापस दे रही थी। ये कैसे पॉसिबल है? क्या उसका कोई मोटिव छिपा है? लेकिन वो सच में मुझे अच्छे से ट्रीट करता है और उसने मेरी जान भी बचाई। उसने मुझे एक स्कूल में एडमिट कराया और मुझे वंडरफुल गिफ्ट्स, कपड़े, गहने भी दिए। मुझे उसके साथ रूड नहीं होना चाहिए लेकिन ये सही नहीं लगता। हालांकि मुझे वो सब कुछ दे रहा है जो एक लड़की मांग सकती है। मैं खुश नहीं हूं, मेरा दिल सेटिस्फाइड नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है मैंने मेरी फ्रीडम खो दी है। और वो इंसान ही क्या जिसे फ्रीडम ना हो? कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन है। मैं उस पर डिपेंड नहीं रहना चाहती लेकिन मैं और क्या कर सकती हूं? मेरे पास मेरी मेमोरी भी नहीं है। अंजलि अपसेट हो गई। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने धीरे से अपने आंसू को टिश्यू से पोंछ दिया और फिर से बाहर देखा। वहां ग्रैंड पैलेस था और इससे पहले कि वो उसकी ब्यूटी को देखती उसकी आंखें आंसुओं की वजह से ब्लरी हो गई। वो कंटिन्यूसली उन्हें पोंछ रही थी और खुद को शांत रखने की कोशिश कर रही थी। उसका मुंह ड्राई लग रहा था। उसने एक ग्लास उठाया और पी गई। इससे पहले कि वो समझ पाती उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। अजय को एक फोन आया और जैसे ही उसका मोबाइल वाइब्रेट हुआ वो धीरे से बेडरूम में चला गया। उसने अपना फोन निकाला और अपने पुराने दोस्त का मैसेज देखा। वो फ्रांस में टॉप शेफ था जिसने अपने दोस्त और उसकी पत्नी के लिए रोमांटिक फ्रेंच क्यूजीन बनाया। मैसेज में लिखा हुआ था, क्या आपकी वाइफ को ये पसंद आया? अंजलि के सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन के बारे में सोचते हुए अजय की आंखें नर्म हो गई। उसने सोचा कि उसका दोस्त तारीफ के काबिल है इसलिए उसने कॉल किया। अपनी बात खत्म करने के बाद उसने डाइनिंग रूम की ओर अपना रास्ता बनाया और जो कुछ उसने देखा वो उसे हैरान कर गया। अजय ने देखा कि अंजलि का सिर नीचे था और उसके दाहिने हाथ में उसका रेड वाइन ग्लास था जो उसके जाने से पहले भरा हुआ था लेकिन अब यह खाली था। क्या उसने गलती से बिना देखे ही पी लिया था? उसने अपनी आंखों के बीच की जगह को पिंच किया। कल वे बहुत से नौकरों के साथ हवेली में रुके थे लेकिन आज वे एक नाव में अकेले थे और उन्हें परेशान करने के लिए कोई नहीं था। क्या वो उसकी फीलिंग्स के बारे में नहीं सोचेगी? वो भूख से मर रहा था और फिर भी वो उसके लिप्स का टेस्ट नहीं ले सका। वो धीरे धीरे उसके करीब गया और उसके बालों को धीरे से सहलाया जैसे एक पिता अपने बच्चे को छूता है। उसने धीरे से उसे बुलाया, शायद उसका नाम सुनकर या उसके स्पर्श को महसूस करके अंजलि कांप गई। फिर धीरे धीरे उसने ऊपर देखा। अजय का हाथ उसके सिर पर जम गया क्योंकि उसने उसके एक्सप्रेशन देखे। उसकी आंखों में आंसू थे, उसके गाल फूले हुए थे और उसके लाल होंठ खुले थे जो उसे इनवाइट कर रहे थे। ये एक हाईली ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर था जो कंट्रोल खोने के लिए भी काफी था। और अजय एक नॉर्मल इंसान था। अजय ने अपना सिर लाचारी से हिला, काश अभी भी तुम अपने चेहरे को देख पाती और जानती कि ये मुझे कितना बदल देता है, उसने गहराई से कहा। फिर उसने धीरे से उसे अपनी बाहों में ले लिया।
अजय ने उसे बेड पर ले जाने और उसे सोने देने का प्लान किया, इससे पहले कि वो कुछ ऐसा करे जिससे उसे रिग्रेट हो। हालांकि चीजें उस तरह से नहीं चली जैसे उसने प्लान किया था। जब वह उसे बेडरूम की तरफ ले जाने की कोशिश करने लगा तो अंजलि ने उसकी बाहों में हरकतें करना शुरू कर दिया। अजय को कुछ समझ नहीं आया, वो अब क्या करने की कोशिश कर रही है। उसने सोचा जिस तरह से वो अब थी वह उसे बिल्कुल समझ नहीं पा रहा था। उसने उससे पूछा, ये क्या है? अंजलि ने अपनी आंसू भरी आंखों और शक्ल के साथ अजय को देखा। मैं एक प्रिंसेस की तरह डांस करना चाहती हूं। जिस लड़की ने कभी उससे कुछ नहीं मांगा, अब जब वो नशे में थी तो उसने सब खराब करना शुरू कर दिया। अजय ने अपने दांत पीस लिए। वो क्या कर सकता था? ना तो वो उसे बेड पर ले जा सकता था और ना ही उसे मना कर सकता था, और वो अपना कंट्रोल खो रहा था। आखिर में लॉन्ग स्ट्रगल के बाद उसने अपने दिल की बात सुनने का फैसला किया। अजय उसे डांस फ्लोर पर ले गया। स्पीकर पर ऑलरेडी वोल्टेज प्ले था। उसने उसे नीचे उतारा और देखा कि वो प्रॉपरली खड़ी थी या नहीं। उसके बाद उसने उसकी कमर पकड़ ली और उसे अपने करीब खींच लिया। उसने उसके बाएं हाथ को अपने दाहिने हाथ से पकड़ लिया और उसे अपने दिल के करीब लाया। फिर उसने धीरे धीरे चलना शुरू किया। अंजलि भी डांस करने लगी और अपने मूव्स उसके साथ मैच करने की कोशिश करने लगी। हालांकि वो नशे में थी और फजी महसूस कर रही थी, लेकिन फिर भी उसकी धीमी चाल की नकल करना उसके लिए आसान था, क्योंकि उसकी क्रिस क्रॉस ड्रेस के कारण अजय का हाथ सीधा उसकी पीठ को छू रहा था। अंजलि की स्किन रेड रोज के पेटल के जैसे स्मूथ थी। अजय कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन उसकी स्किन की केयर कर सकता है। अंजलि अपनी नॉर्मल स्टेट में नहीं थी, इसलिए जैसे ही उसने उसके हाथ को अपनी स्किन पर फील किया तब उसे फील हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी उसकी स्किन से पास हुई, और उसने एक साइलेंट मोन दिया और उस टच से बचने के लिए वो आगे बढ़ गई। आगे बढ़कर अब उसकी पूरी बॉडी उसे पूरी तरह से छू रही थी और अजय की पूरी बॉडी स्टिफ हो गई थी। उसने उसकी मोन जरूर सुनी। उसने घबराया हुआ महसूस किया और फिर अपने ड्रंकन फिगर को देखा। उसने अपना सिर उसके चेस्ट पर रख लिया और चुपचाप उसके दिल की धड़कनें सुनती है। आज रात वो एक्स्ट्रा एक्टिव लग रही थी, क्योंकि वो रेड कलर की ड्रेस पहने थी और उसकी अट्रैक्टिव बॉडी उसके करीब थी और उसे ब्रेथलेस कर रही थी। उसे पानी की इच्छा से उसका कंट्रोल खत्म हो रहा था। लगभग 3 साल हो गए थे, वो केवल उसका इंतजार कर रहा था। जब वो कंट्रोल खो रहा था, अजय का दाहिना हाथ उसकी परमिशन के बिना चला गया। उसने लोअर बटन को नीचे खोल दिया और उसे थोड़ा सहलाया। अचानक बोल्ट कांटेक्ट से अंजलि हांफ गई और उसने उसकी तरफ देखा। अजय ने उसकी डिजी आईज को देखा, फिर उसकी निगाह उसकी लिप्स पर गई, और जब उसने उसे देखा तो उसकी निगाहें नीचे हो गई। अंजलि के मूवमेंट और वोल्टेज ने पूरे एटमॉस्फेयर को एक्स्ट्रा कलरफुल बना दिया। अजय की सांसें रुक रही थी, उसकी आंखों में आग लगी हुई थी और उसका सिर फट रहा था। आखिर में उसने अपना चेहरा नीचे कर लिया। उसने उसके फोरहेड पर, उसके टेंपल पर और उसके बाद उसके चीक्स पर किस किया। उसके लिप्स उसके चीक्स से दूर नहीं जा सकते थे, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट थे। कुछ ही मिनटों बाद
उसने अंजलि को देखा जो फजी लग रही थी और एक अननोन फीलिंग उसके दिल में बह रही थी। हालांकि वो इस फीलिंग को नाम नहीं दे सकती थी। उसकी सांसें इररेगुलर और हैवी हो गईं। उसका मुंह ऐसे खुला था जैसे वो ऑक्सीजन ले रही हो। उसका चेहरा पहले से ज्यादा लाल हो गया था। वो श्योर नहीं थी कि ये उसके नशे के कारण था या वो पैशन की वजह से हॉट फील कर रही थी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या फील कर रही थी। उसकी तरफ से कोई रिजेक्शन नहीं था। अजय यही चेक करना चाहता था। अजय ने अपना फेस नीचे किया, फिर उसे किस किया। अंजलि की सांस रुक गई, फिर उसने सांस ली। अजय ने उसे किस किया जब तक उसके खुले बाल उसे डिस्टर्ब नहीं कर रहे थे। उसने अपने कोट के साथ साथ टाई भी उतार ली और उसके बालों को कुशलता से बांध लिया। जैसे ही नीचे की ओर मूव हुआ, अंजलि ने उसके फेस को अपने हाथों में लेकर पूछा, कैसे चुका रही हूं? तुम मुझे अपने साथ क्यों रखते हो? क्या वो इनसिक्योर फील कर रही है? अजय ने सोचा। उसने उसकी आंखों में देखा जहां उसे दर्द दिखाई दिया। उसे लगा जैसे किसी ने उसके दिल को जोर से स्क्वीज कर दिया हो। जो पेन वो फील कर रहा था वो बहुत ज्यादा हो गया था, जिससे वो प्रॉपर ब्रीथ नहीं कर पा रहा था। स्लोली उसने उसके आंसुओं को वाइप किया। बाद में उसने उसे ब्लैंकेट से कवर किया और उसे हग किया। उसने हल्के से उसके सिर पे पैट किया। अंजलि ने उसे हाफ क्यूरियस हाफ डेज्ड लुक दिया। उस पर उसकी फिक्स्ड नजर देखकर उसने उसे एक ठंडी स्माइल दी। उसने हल्के से उसकी नाक को किस किया और उसे जवाब दिया, वो तुम हो सकती हो, अगर तुम नहीं तो कोई बात नहीं होगी। इससे पहले कि वो कुछ और पूछ सके, उसने अपना सिर उसकी चेस्ट पर रख दिया और कहा, सो जाओ। अंजलि ने मुंह बनाया। उसने ड्रिंक की थी और थक गई थी, हालांकि वो अभी भी इस सवाल का जवाब जानना चाहती थी। हालांकि अजय के सॉफ्ट टच ने उसे उसके सपनों की दुनिया में पहुंचा दिया। इससे पहले कि वो सोने के लिए जाए तो उसने पूछा, मैं क्यों? उसकी आवाज बंद हो गई। उसे नींद में देखकर अजय ने उसको किस किया और जवाब दिया, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं। वो जानता था कि वो उसका जवाब नहीं सुन पा रही थी और इसीलिए उसने उसे कन्फेस करने की हिम्मत की। अगर वो जानती तो वो बता सकती थी कि वो क्या कह सकती है। आज की रात जो उसने फील किया वो लंबे समय से चला गया था। उसने खिड़की से बाहर देखा और पेरिस की खूबसूरत रात देखी। हालांकि उसका दिमाग उसके बारे में सोच रहा था। वो जानता था कि वो आखिरकार पता लगाएगी कि उसकी इंफॉर्मेशन को छुपा दिया गया है और उसके एग्जिस्टेंस को हटा दिया गया है। लेकिन उसके दिल की गहराई से वो चाहता था कि वो खुद पता करे कि वो उससे प्यार करता था, गहराई से, सच्चाई से। अजय ने अंजलि के सोते हुए चेहरे को देखा। ये स्वीट और क्यूट था। उसके प्यारे सोते चेहरे को देखकर उसके दिल का दर्द गायब हो गया। उसने उसके रोजी लिप्स को देखा। चाहे कितना भी वे इनवाइट कर रहे थे,
वो उसे बिना उसकी परमिशन के किस नहीं करना चाहता था। उसकी एक विश थी, एक दिन अंजलि उसे अपनी मर्जी से किस करेगी। उसने उसे अपने गर्म हाथों से हक किया और अपने हाथ पीछे ले लिए, इससे पहले कि वो नींद की दुनिया में चली जाए। दोपहर के समय जब अंजलि जाग गई तो उसका सिर दर्द कर रहा था। उसके मन में एक एक्साइटमेंट थी और ये समझने में थोड़ा समय लगा कि वो कहाँ है। उसने ज्यादा नहीं सोचा और वॉशरूम चली गई। उसने मिरर से अटैच एक शेल्फ को देखा, वहां एक पिंक टेडी ब्रश और टूथपेस्ट पहले से था। अजय के बारे में सोचते हुए उसके फेस पर स्माइल आ गई। उसने ब्रश किया और अपना फेस वॉश किया। जैसे ही उसने अपनी ड्रेस निकालने की कोशिश की, वो चिल्लाई। उसने अजय की शर्ट पहनी थी। ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे अच्छे से याद है लास्ट नाइट मैंने रेड गाउन पहना था, गलती से मैंने शराब पी ली और सो गई, तो मैंने उसकी शर्ट कैसे पहनी। उसके दिमाग में अलग अलग तरह के ख्याल आने लगे। अजय एक ड्रंक लड़की के साथ कुछ करने वाला आदमी नहीं है, या हो सकता है कि वो एक आदमी है जो शीप के भेस में वुल्फ है। उसके दिल में डाउट भर गया। फिर उसने याद किया कि वो अब तक उसकी केयर कैसे कर रहा था और इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन वो पहली बार उसके सामने नशे में नहीं थी। शायद मैंने वॉमिट कर दी होगी और अज्जू ने मुझे क्लीन किया होगा। हाँ, ये इस बात का अच्छा एक्सप्लेनेशन है, उसने एक स्मार्ट आदमी की तरह सिर हिलाया। बस जब वो राहत महसूस करने वाली थी वो जम गई। इसका मतलब ये है कि उसने मेरी बॉडी देखी। उसका फेस रेड हो गया। उसने शर्ट के ऊपर से हाथ लगाया और हल्के से चिल्लाई, ओह माय गॉड, अब मैं उसे कैसे फेस करूंगी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। अंजलि अंदर ही अंदर चिल्लाई और अपनी बॉडी को कसकर गले लगा लिया। उसका सिर शर्म से घूम रहा था। वो कुछ भी नहीं सोच सकती थी और खुद को काम नहीं कर पा रही थी। फाइनली अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने के लिए उसने कोल्ड शावर लिया। 20 मिनट बाद वो बाहर निकली और अलमारी के पास गई। उसने स्काई ब्लू कलर की कैजुअल ड्रेस और फ्लैट सैंडल पहने। फिर वो अजय को ढूंढती है। वे अभी भी नदी के बीच में हैं। इसका मतलब अजय बोट पर ही है, हालांकि वो उसे फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पर नहीं ढूंढ पाती। फिर उसे अचानक याद आया कि इस बोट पर एक रूफ भी है। उसने वहां जाने का डिसाइड किया। अंजलि सीढ़ियों से ऊपर जाती है और झांकती है। उसके बाद वो उसके सामने के सीन को देख मौके पर जम गई। अजय एक सफेद शर्ट और काली पैंट पहने एक कुर्सी पर बैठा था और कुछ डॉक्यूमेंट्स को पढ़ रहा था। उसके पास में टी टेबल पर लाल रंग का कॉफी मग था। कभी कभी वह मग से सिप ले रहा था। जैसे जैसे शांत ठंडी हवा बह रही थी, उसके काले पतले बाल भी उड़ रहे थे। उसकी सागर जैसी नीली आंखें पेपर्स पर थी। उसके सेक्सी होंठ बंद थे। यहां तक कि उसके सिंपल आउटलुक ने एक मैजेस्टिक ऑरा क्रिएट किया। फिर भी पूरा एनवायरनमेंट शांत था। ये किसी को भी मन में शांति देता है। ये सीन आंखों की भूख को कम कर सकता था, यहां तक कि सबसे खराब टेस्ट वाली लड़की की भी। अगर वह इस शांत तस्वीर को और देखेगी तो वो उसके प्यार में पड़ सकती है। अंजलि अपनी आंखें नहीं हटा सकती। अचानक अजय की खांसी से अंजलि का अटेंशन ब्रेक हुआ। कितनी देर से तुम मुझे ऐसे घूर रही हो? जब उसकी आवाज उसके कानों तक पहुंची तो अंजलि ऑटोमेटिकली शर्मा गई।
मैं आपको ढूंढ रही थी। उसने सोचा कि ये आज के लिए इनफ नहीं है। अपने लाल चेहरे के साथ वो उसकी ओर जाती है। अजय ने ऊपर देखा और उसके टमाटर जैसे चेहरे को देखा। वो थोड़ा मुस्कुराया और पूछा, क्या तुम अच्छी तरह से सोई? अंजलि ने जवाब में सिर हिलाया। वो वॉमिटिंग वाले हिस्से के लिए माफी मांगना चाहती थी, लेकिन वह बोल नहीं पाई। वो बाहर नहीं बोल सकती। दूसरी ओर अजय ने उसके एक्सप्रेशन को पकड़ा। उसने सोचा, क्या उसे कल का इंसिडेंट याद है? या मैंने जो कहा वो उसे याद है? जब उसने उससे कन्फेस किया, उसे वो सीन याद आ गया। वो घबरा गया, लेकिन वह इस तरह चीजों को लटका नहीं सकता था, क्योंकि उसके चेहरे को देखकर उसे कल रात की बात याद आ गई। अजय ने अपना मुंह खोला। वो क्या है जो तुम मुझसे कहना चाहती हो? ये सुनकर अंजलि पीछे हट गई। इससे अजय को हर्ट होगा। वो बोलता है, देखो अगर ये पिछली रात के बारे में है तो मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। उसने एक गहरी सांस ली, फिर बोला, अंजलि आई एम सॉरी। अंजलि ने 90 डिग्री में झुककर जोर से कहा। अजय की आंखें बड़ी हो गई। वो पूरी तरह से शॉक हो गया था। अंजलि की आंखें बंद थी और उसका फेस, ईयर्स और नाक सब लाल हो गए थे। उसने अपनी माफी जारी रखी। कल रात गलती से मैंने आपकी वाइन पी ली थी और मैं नशे में थी। ये पर्पसली नहीं था, कसम से। और फिर मैंने ऐसा एम्बेरसिंग वाला काम किया। मैंने वॉमिट की और अपने कपड़े खराब किए, और आपने मेरे कपड़े क्लीन किए। मैंने एक मैच्योर पर्सन के जैसे एक्ट नहीं किया और मेरी वजह से आपको इतनी परेशानी हुई। वो टूट गई और अजय का चेहरा एक सेकेंड में बिगड़ गया। उसने अपनी आंखों के बीच के हिस्से पर पिंच किया। उसने बड़ी मुश्किल से खुद को कंट्रोल किया, लेकिन उसके साथ रहने के बाद ये उसकी हैबिट बन गई थी। कभी कभी उसने सच में उसे स्ट्रेस दिया है। अजय ने देखा कि उसने सब कुछ गलत समझा, जिससे उसे शांति मिली। हालांकि उन्होंने सोचा था कि कुछ टुकड़ों को याद रखना उन्हें अच्छा लगेगा, इसलिए उसे अगेंस्ट फीलिंग मिली। वो खुश था कि वो कल रात की बातें नहीं जानती है, क्योंकि वो जानती थी तो ये बदतर हो सकता है। हालांकि वो परेशान था, क्योंकि अगर उसे वो सब याद आता है तो वो चाहता है कि वो इस बात को याद करे कि उसने कन्फेस किया था। ये देखते हुए कि वो अभी भी लगातार और बात कर रही थी, उसने उसे रोकने की कोशिश की। अंजलि, वो इसके अलावा मैं ये प्रॉमिस करती हूँ कि आपको मेरी डिस्गस्टिंग नेकेड बॉडी को फिर से देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अंजलि ने फिनिश किया और उसने देखा, उसके चेहरे पर जो एक्सप्रेशन था उसने उसकी उम्मीद नहीं की थी। अपनी लाइफ में अजय बहुत सी चीजों के लिए प्रिपेयर्ड था। शायद ही उसकी आंखों से कुछ छूटा हो। वो बहुत स्मार्ट था और किसी ने भी उसे कभी भी ऑफ गार्ड नहीं पकड़ा। हालांकि बाद में अंजलि को एक नई जिंदगी मिली। उसने बदलना शुरू कर दिया। आज पहली बार किसी ने उसे ऑफ गार्ड पकड़ा। सुबह उठने के बाद उसने अपनी शर्ट उसे पहनाई। उसने सोचा कि अगर वो कुछ भी पूछती है तो वो सच्चाई बता देगा, क्योंकि उसने कभी झूठ नहीं बोला। हालांकि वो सुबह सुबह ये सोचकर घबरा गया था कि उसका एक्सप्रेशन कैसा होगा। वो काम पर कॉन्सेंट्रेट भी नहीं कर सकता था। बाद में उसने 100% कॉन्सेंट्रेट करने के लिए मेडिटेशन भी किया। जब वो लाल चेहरे के साथ आई तो उसने सोचा कि उसे लास्ट नाइट का सब कुछ याद आ गया था, और इसीलिए वो अपनी फीलिंग्स को दूसरी बार कन्फेस करने जा रहा था। लेकिन उसकी माफी सोच से बाहर थी, और ना केवल उसने माफी मांगी बल्कि ये भी कहा कि वो उसे डिस्गस्टिंग बॉडी को कभी नहीं देखने देगी। डिस्गस्टिंग, उसने अपनी खुद की बॉडी को
डिस्गस्टिंग कहा। अजय ने एक गहरी सांस ली, फिर पेपर्स को टेबल पर रख दिया और अपने सेलफोन का यूज किया, उन्हें वापस पकड़ा। फिर अचानक उसने अंजलि के नाजुक हाथों को पकड़ लिया और अपनी ओर खींच लिया। इससे पहले कि वह कुछ भी पकड़ती, अंजलि ने देखा अजय का फेस उसके पास था और उसने उसकी नेक को किस किया। अजय ने एक गहरी सांस ली, फिर पेपर्स को टेबल पर रख दिया और अपने सेलफोन का यूज किया, उन्हें वापस पकड़ा। फिर अचानक उसने अंजलि के नाजुक हाथों को पकड़ लिया और अपनी ओर खींच लिया। इससे पहले कि वह कुछ भी पकड़ती, अंजलि ने देखा अजय का फेस उसके पास था और उसने उसकी नेक को किस किया। अंजलि ने ऐसा नहीं सोचा था। अजय के रिएक्शन ने उसे चौंका दिया और जब उसे खींचा गया तो उसका कोई रिएक्शन नहीं था। जब वो अजय की थाइस पर बैठी थी तब भी उसने कोई रिएक्ट नहीं किया। जब उसका चेहरा पास था उस समय भी उसका कोई रिएक्शन नहीं था, लेकिन जब उसकी वॉर्म लिप्स ने उसकी नेक को टच किया तो उसका माइंड ब्लैंक हो गया। अंजलि अजय के सडन अटैक से सुन्न हो गई थी। उसे यकीन नहीं था कि ये असली है या नहीं। हालांकि इस समय अजय ने उसकी नेक पर किस करना शुरू कर दिया। उसने एक रिएक्शन दिया, उसके अग्रेसिव एटीट्यूड ने उसे एक बड़ा सा झटका दिया। उसकी स्पाइन में जैसे बिजली गिरी, उसकी आंखें बड़ी हो गई, उसका मुंह खुला हुआ था क्योंकि वो हैरान थी। सबसे पहले उसे समझ ही नहीं आया कि क्या चल रहा है, लेकिन जिस पल उसे समझ आया कि वो एक हैंडसम रिच मैन है जिसे वो अज्जू बुलाती है, उसे किस कर रहा था। उसका चेहरा लाल हो गया, वो चिल्लाना चाहती थी पर उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। फिर उसने अजय को पीछे पुश करने की कोशिश की, लेकिन उसके जैसी नाजुक लड़की उसके जैसे स्ट्रॉन्ग आदमी को कैसे पुश कर सकती है। जब अजय ने उसकी नेक को किस करना शुरू कर दिया तो अंजलि ने पूरे शरीर को जोर से दबाया और वो अब भी नहीं रह सकी। वो उसके अगेंस्ट स्ट्रगल करने लगी, हालांकि अजय ने उसे टाइट पकड़ रखा था और जाने नहीं दिया। वो अपना सिर दूर करना चाहती थी, लेकिन अजय ने अपने दाहिने हाथ से उसके सिर को पकड़ लिया और दूसरा उसकी वेस्ट को टाइट पकड़ रहा था। अंजलि जितना ज्यादा उसके अगेंस्ट जाती उतना ज्यादा किसेस पैशनेट होती जा रही थी। उन दोनों की बॉडीज एक दूसरे से क्रैश हो रही थी। अजय की बॉडी अच्छी थी, दूसरी ओर अंजलि की फुल ग्रोइंग बॉडी थी। हालांकि ये पर्पसली नहीं था, लेकिन इसने दोनों को एक अच्छी फीलिंग दी थी। अंजलि ने एक आह दी जिसने अजय को और भी ज्यादा बदल दिया। अंजलि ने स्लीवलेस कॉटन ड्रेस पहनी हुई थी, तो इसने अजय को उसकी बॉडी तक इजी एक्सेस दिया। उसके लिप्स उसके दूसरे हिस्सों में चले गए। एक तरफ अंजलि अभी भी उसके अगेंस्ट छुटकारा पाने की कोशिश कर रही थी, दूसरी तरफ उसकी ड्रेस उसकी बॉडी से उतर रही थी। कुछ मिनट के स्ट्रगल के बाद अंजलि थक गई, उसका मुंह खुला था और वो मुंह से सांस लेने की कोशिश कर रही थी। जब अजय को रियलाइज हुआ कि वो उसके अगेंस्ट छटपटा रही थी, उसकी हार्ड किसेस पैशनेट हो रही थी। लास्ट नाइट कोई फर्क नहीं पड़ता,
उसने उसे कितनी किस की हो। उसने कोई मार्क नहीं दिया क्योंकि उसे डर था कि उसे पता ना चल जाए, लेकिन आज ये अलग था। वो उसे हर जगह बाइट के साथ मार्क दे रहा था, जहां उसके लिप्स टच कर रहे थे। अजय के पैशनेट किसेस ने अंजलि को खुशी से चौंका दिया। उसका पैशन उसे इलेक्ट्रिक सिग्नल भेज रहा था जो उसे भी पैशनेट कर रहा था। उसके मुंह से जैसे गर्म स्टीम आ रही थी, उसे चक्कर आ रहा था। पैशन ने उसकी आंखों में आंसू बना दिए। उसके दिल ने पूरी बॉडी में एक वार्म फीलिंग फैला दी थी। अंजलि खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। उसने गहरी सांस ली और मौन किया। उसके मौन से अजय उसकी खुशी फील कर सकता था। जैसे ही उसने उसकी ओर देखा, उसके चेहरे को देखकर अजय की आंखें जल गई थी। फायर, पैशन, हंगर सब उसकी आंखों में मिक्स हो गए थे। फिर वो उसे किस करना कंटिन्यू रखता है। अंजलि ने जोर से मौन किया और अजय की शर्ट को पकड़ लिया। वो उसे तब तक किस करता है जब तक उसको पागल ना कर दे। थोड़ी देर बाद उसकी एनर्जी खत्म हो गई और वो उसकी बाहों में पिघल गई। कुछ ही मिनट बाद जब अजय अपने आर्ट वर्क से सेटिस्फाइड हो गया, तो उसने उसे किस करना बंद कर दिया। उसने उसकी पिंकिश वाइट स्किन को देखा और अपने लिप्स के टैलेंट को ऑब्जर्व किया। कई रेड हिक्स को देखकर अजय ने अपनी लिप्स की सर्विस को एडमायर किया। वो उसके चेहरे पर हैरान रह गया। अंजलि का चेहरा कल की तरह ही था, रेड फेस, फजी टियरी आईज और ओपन लिप्स। अजय एकदम हैरान हो गया और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसने उसके आंसू पोंछे और कानों के पास झुक गया। उसके बाद उसने कहा, तुम्हारी बॉडी मेरी जिंदगी में अब तक देखी गई सबसे सुंदर आर्ट पीस है। यहां तक कि गॉडेस ऑफ ब्यूटी भी तुम्हारी ब्यूटी से जलन करेंगी, इसलिए ये मत कहो कि ये डिस्गस्टिंग है। इसके अलावा मैं तुम्हारा फ्यूचर हस्बैंड हूं। तुमको अपनी नेकेड बॉडी जिसे दिखानी चाहिए वो मैं हूं, किसी और आदमी को नहीं। इसलिए तुमको अपनी नेकेड बॉडी मुझे दिखाने का प्रॉमिस करना चाहिए, किसी और आदमी से नहीं। अगर तुम ऐसा करती हो तो पनिशमेंट मिलेगी। अंजलि, जिसके पास कोई ताकत नहीं बची थी और वो मुंह से जोर से सांस ले रही थी, थोड़ा सा सिर हिलाया। उसने आज जो फील किया, उसने पहले कभी इस तरह की फीलिंग का एक्सपीरियंस नहीं किया था। उसे बुरा नहीं लगा, लेकिन उसे नहीं लगा कि ये एप्रोप्रिएट था। इसलिए उसे पता नहीं था कि क्या करना है। उसके कॉम्प्लेक्स फेस को देखते हुए अजय एकदम मुस्कुराए और उसके बाद धीरे से उसके माथे को किस किया। फिर उसने उससे पूछा, क्या तुम्हें भूख लगी है? क्या भूख, मैं पहले से ही फुल हूं। अंजलि में उसे जवाब देने की एनर्जी नहीं थी, लेकिन उसके चेहरे ने उसे धोखा नहीं दिया। उसकी कंप्लेन के एक्सप्रेशन को देखते हुए अजय दिल से हंसा। बाद में उसे अपने करीब ले आया। वो खड़ा हो गया और उसे बेडरूम में ले गया। उसने उसे धीरे से बेड पर लिटा दिया और वो भी उसके बगल में लेट गया और उसे गले से लगा लिया। आज से उसे चुपके से उसके साथ सोने की जरूरत नहीं थी, लेकिन उनके पास केवल 4 दिन थे इससे पहले कि वो कॉलेज जाए और हॉस्टल में रहने लगे। अजय के सॉफ्ट स्ट्रोक ने अंजलि को जल्दी सुला दिया, हालांकि अजय उसे प्यार से देखने लगा।